सुनिए जी, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए, त्योहार के दिन भी जाना जरूरी है। अरे देवघर यहाँ से कितनी दूर है? कार में जाऊंगा तो जल्दी आ जाऊंगा, आने के बाद पेट भर खाऊंगा, ठीक है? इंतजार करो। ठीक है, संभल के आ जाऊंगा। इट इज अ वेरी बैड डेवलपमेंट मिस्टर स्वामी। देखिए, एक तो क्राइम ब्रांच को कंट्रोल में रखेंगे ऐसा प्रॉमिस दीजिए, अदरवाइज हमें कंपनी को हैदराबाद या चेन्नई में शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, आपकी वजह से एक ऑर्डिनरी सिटी हाईटेक हो गया है। इस बड़े से ग्लोब में छोटा सा कर्नाटक तारे की तरह चमकने लगा है। अगर आप इस तरह से बेजार होकर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान की बात है सर। डोंट वरी, इसको कंट्रोल में करने के लिए व्यवस्था हो गई है। डीसीपी विजय कुमार मालूम है ना, पुलिस कमिश्नर की पदवी दिया है, प्रमोट कर दिया उसे। कल वो यहाँ आने वाला है। उसका कितना पावर है पता है ना आपको? अगर वो अपनी पूरी ताकत से आए तो यहाँ की सारी गुंडागर्दी को एक मिनट में खत्म करता है। सर प्लीज, नो कमेंट्स छोड़कर कुछ भी बोलिए सर। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे क्राइम रुक जाएगा, ऐसा सीएम साहब चीख चीख कर बोल रहे थे। अब क्या हो गया? पुलिस के सामने अटैक, मर्डर, ये देखिए गुंडों का स्टेटमेंट। ये पुलिस किसी काम की नहीं है। हमारा बॉस मारा गया, हम बदला लेंगे। हमारे बॉस को जिसने मारा है हम लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे के अंदर उसको ढूंढ निकालेंगे और फाड़ देंगे। प्लीज आंसर टू दिस, कुछ तो बोलिए सर। प्लीज स्टॉप, नो मोर क्वेश्चंस। आप लोगों के सवालों का एक ही जवाब है, बहुत जल्द शहर से क्राइम खत्म हो जाएगा। Welcome to Bangalore, ma'am. Thank you. Pleasure to meet you. Bye-bye. Have a good day. Ma'am, your arrangement of the stay has been done. No, just hold on. I need to complete some of my personal work, then I'll go. Okay, ma'am. Driver, Madam? Margaret Road Police Quarters chalo. Madam? Tum itne shock kyun ho rahe ho? Madam, Police Quarter? हिंदी में बात समझ में नहीं आती क्या? कम ऑन, लेट्स मूव। क्यों रो रही हो? पापा रोज मुझे 2 रुपए दिया करते थे जिससे मैं बिस्किट लेकर खा लेती थी। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम फीलिंग सो हंग्री। अरे रे, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मेरे खाने में से आधा आधा कर लेंगे। ये लो खाओ। अब क्या हुआ? मुझे मम्मी चाहिए। लेकिन तुम्हारी मम्मी तो मर चुकी है। नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। जो इंसान मर जाते हैं वो आसमान में तारे बन जाते हैं, कुछ भी करने से वो वापस नहीं आते। अच्छा बताओ तो तुम्हारी माँ कैसे मरी? ठंडी लगने की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और घासलेट डालकर मर गई वो। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं हैं। सही कहा, वो मुझे प्यार भी नहीं करते और मेरा ख्याल भी नहीं रखते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें प्यार भी करूंगा। Thank you.
देखो क्या लाई हो। मेरे स्कूल की फोटो, अच्छी है ना? अब कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अरे वाह, हाय अनिल, हाउ इज माय ड्रेस? वाव, सुपर, ये लगा लो और भी अच्छी लगोगी। अनिल, फूल लेने नहीं गया? ओह, अभी लाया। अनिल प्रशांत है क्या? कौन प्रशांत? ये प्रशांत का ही घर है ना? नहीं, उन्हें घर खाली किए हुए 1 साल हो गए। एक्सक्यूज मी, यहाँ कविता और नवीन नाम के लोग रहते थे, वो आजकल कहाँ है? मुझे मालूम नहीं, हम लोग नए हैं, बाजू में पूछ लो। ओके, थैंक यू। दिव्या, हाय आंटी। तू यहाँ? अब किसका घर बर्बाद करने आई है? आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये देख। मोहन, मोहन को क्या हुआ? सच सुनना चाहती है? लोगों के घर में काम करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को पाला है। मेरा कष्ट मैं ही जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय प्रिया। हे, हाय कहती है, आ गई इतना बड़ा मुंह खोल के। माँ, बेचारी प्रिया 2 साल के बाद वापस आ रही है। लोगों का सुकून छीनकर कितने साल बाद भी वापस आए तो क्या फायदा? तू इज्जत से घर के अंदर आ जा, वरना मुझे भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करना पड़ेगा। चल अंदर। प्रिया, मैंने कहा ना तुझे अंदर आने के लिए। सॉरी प्रिया, मम्मी गुस्से में कुछ भी बोल गई, वो सब छोड़। तू कहाँ रुकी है? महात्मा गांधी स्ट्रीट में। तो ठीक है प्रिया, मैं तुझसे वहीं आकर मिलती हूँ। ओके, ये बता तुम्हारी पुरानी फ्रेंड्स कहाँ हैं? कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट सब यहाँ वहाँ चले गए हैं। और अनिल? वो अब कहाँ रह रहा है? लेकिन वो तुमसे नहीं मिलेगा प्रिया। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नो वेज, तुम उसे नहीं मिल पाओगी प्रिया। बट वाई? अनिल कहाँ है? कहाँ है? दीदी, अनिल से मिलने के लिए लाइन में क्यों बैठी हो? 500 रुपए दोगी तो इंस्पेक्टर स्पेशल एंट्री देगा। क्यों रे, इतना जो कुछ सह रही हूँ वो काफी नहीं? जो उसको देखने के लिए मैं पैसे देकर अंदर जाऊँ? लेकिन दीदी, आपका टाइम नुकसान हो रहा है। मालूम है, अच्छी तरह से जानती हूँ। एक तो ये है जो अपने भाई से मिलने के लिए जिद पे अड़ी हुई है। मेरी सुनती कहाँ है? मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ। एक ये है जो अपने भाई से बार बार मिलने के लिए मरी जा रही है। अरे नहीं दीदी, अनिल वो क्या है ना कि कल बेल पर छूट जाएगा। Excuse me. ओए, जेब में घोड़ा बिड़ा ऐसा शक मत कर, समझा क्या? Hey, excuse me. Hello, अंदर मत जाइए। अपन यहाँ किसी का रेप वेप करने नहीं आए। वो जो दीदी उधर पूल खेल रही है ना, उसके बारे में पूरा डिटेल लेने का है, समझा क्या? ए बच्चा, फोटो निकाल उसका। प्रिया चंद्रपति होटल में ठहरी हुई है। सर प्लीज। हेलो, हेलो सर, हेलो, यस सर, सर सर गिव मी वन अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई सेल्फ सर, आई विल प्रूव माई सेल्फ। प्रूव कर दिखाया।
रोको, ये लो। प्रिया है क्या? यस मैम। हाय प्रिया। हे हाय, हाउ आर यू? फाइन। प्रिया, आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे बैकग्राउंड में पली बड़ी और आज नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करके आई हो। MTV, VTV, जिस चैनल पर देखो तुम्हारा गाना, तुम्हारा डांस। तुम इतने टैलेंटेड हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझ पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन अनिल को पूरा भरोसा था। मैं उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। अनिल है कहाँ और क्या कर रहा है वो? अनिल अब स्पॉइल हो गया है प्रिया। व्हाट? आज वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं प्रिया, वो एक दिन में 2-2 खून भी करता है। नहीं, मुझे उसे मिलना होगा। लेकिन अब वो जेल में नहीं है। तुम इस शहर में आई हो, उसे पता चल गया है, इसलिए वो बेल लेकर बाहर आ गया है। लेकिन वो यहाँ तो आया नहीं। हो सकता है तुम्हें पता ना चला हो और तुम्हें देखकर चला गया हो। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? तो चलो। लेकिन प्रिया, दिव्या, प्लीज। ओ भाई, वो लौंडिया बिल्कुल हाई फंडू है और तू एक लोकल गुंडा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? एक तू ही है जो मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी जानता है, चल सुना। लेकिन वो लाइफ भी बड़ी मजेदार थी। भगवान के जैसे माँ बाप, देवी जैसी बहन, जान देने वाले फ्रेंड्स दिव्या, प्रिया और मेरे ये प्यारे से दोस्त। लेकिन सबसे जरूरी था मेरा लव, प्यार। ₹20,000 चाहिए। किस लिए चाहिए? कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहता हूँ। इससे सर फाड़ दूंगा तेरा। तुझे शर्म होती तो तू ऐसी बातें नहीं करता यहाँ। अभी मेरा दिमाग मत खराब कर। तुझे पता है मुझे 2 ऑलरेडी अटैक आ चुके हैं और इस तरह की हरकतें किया तो तीसरा जल्दी आ जाएगा। अगर आप इसी तरह अपनी BP बढ़ाते रहोगे तो तीसरा अटैक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मेरी बात सुनो, कल से ही मैं जॉब शुरू करना चाहता हूँ। सिर्फ नाइट ड्यूटी करने का ₹15,000 मिल रहा है, इससे अच्छी खासी लाइफ सेट हो जाएगी। आहा, मैं तेरी औकात जानता हूँ। रिक्शा चलाऊंगा बोला, रिक्शा दिला दिया। पढ़ाई करूंगा बोला, पढ़ाई करवाया। गाड़ी चाहिए बोला, गाड़ी दिलाई। चिकन की दुकान खोलूंगा बोला, वो भी खोल के दिया। वो सब 2 दिन में बंद करके यहाँ चला आया। क्या समझता है मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ? लेकिन वो सब काम करने में मजा नहीं था। मुंह बंद कर अपना, लोग मजे के लिए काम नहीं करते, पैसे के लिए करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना पापा, कॉल सेंटर में। ये नारियल अपनी माँ को दे क्या? कॉल सेंटर नहीं, वॉल सेंटर नहीं, जो ला के दूंगा खा के पड़े रहना। आप कुछ भी कहिए अंकल, आपका बेटा काम चोर है। तेरी बात का मतलब, अगर कोई जिम्मेदारी की इसको अपने सर पे नाचने के लिए छोड़ दूं मैं? क्या पापा, क्यों लड़की के सामने इज्जत उतार रहे हो मेरी? इज्जत रहेगी तभी ना उतरेगी। अंकल, अनिल ने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया है कि अब ये अपनी लाइफ और सीरियसली सुधारेगा। पहले इसको ट्रेनिंग में भेजिए तो सही, फिर देखिए ये अपनी लाइफ कैसे सुधारता है। सुन, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू काम पे सही ढंग से जाएगा। हाँ कसम खाता हूँ। थू 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 थू, ऐसे बेटे का बाप बनना भी गुनाह है। सर की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। हाँ ठीक है, देता हूँ। देता हूँ ना भाई, बोला देता हूँ, देता हूँ। अभी कॉल सेंटर में काम करेगा, आगे पता नहीं कौन से सेंटर में काम करेगा। 20,000 कमाने पड़ेंगे। अनिल, 20,000 की कीमत। तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, तुम उनके लिए ऐसे बातें क्यों करते हो? क्योंकि तू अच्छी है ना, इसलिए तेरी आँखों को सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। लेकिन मैं तो सही हूँ ही नहीं, इसलिए मैं सबकी आँखों में खलता रहता हूँ, इंक्लूडिंग नॉनस्टॉप नॉनसेंस मेरा बाप। हाँ, अनिल, अरे मेरी माँ, तू बस कर। अब तक उनका सुन सुन कर मैं आधा पागल हो गया हूँ। अब अगर तू शुरू हो गई ना तो मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? प्रिया मेरा वेट कर रही है, उससे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना। सॉरी, सुबह की पहली मीटिंग मैं प्रिया के साथ करता हूँ, उसके बाद कोई और। ओके बाय। अनिल, हाय। क्या प्रिया, तेरे डैडी तो सुबह सुबह टुल्ली होके पड़े हैं। ये तो इनका डेली का रूटीन है। ये सब तेरी वजह से? ऐसा क्यों कह रहा है, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? ऐसी स्थिति में BSc की पढ़ाई कर रही है। लेकिन कुछ भी हो, मैं इनका होने वाला जमाई हूँ तो सेवा भी करनी पड़ेगी। ये मेरी टॉवल है, तू ये पकड़। हम्म।
थैंक यू। अनिल, क्या तू किसी बैंक एम्प्लॉय को जानता है? क्यों? वो मुझे लोन चाहिए। क्या बात है, अपने बाप को और टल्ली करना है क्या? अनिल बी सीरियस, स्टार टीवी वालों ने एक कॉम्पिटिशन रखा है, रीजनल लैंग्वेज सिंगिंग एंड डांसिंग कॉम्पिटिशन। जीती तो सैनियल वुड नहीं डायरेक्ट बॉलीवुड पहुंच जाऊंगी मैं, इसीलिए मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो इसके लिए पैसे चाहिए? नो, फ्री एंट्री। उसके लिए रिप्रेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट्यूम्स, सीडीज, कोरियोग्राफर्स, मेकअप मटेरियल, ये सारा खर्चा हमें ही करना है। कितने में होगा सर? 10 to 15,000। ओके, हो जाएगा, पर अच्छे से मेहनत करना। थैंक यू, लव यू अनिल। लव यू बेबी। ये बच्चा, अभी से तेरी ये हालत है तो शादी के बाद क्या हाल होगा तेरा। इसलिए बोलता हूँ बेटे, बियर बियर पी लिया कर। अरे मेरी हालत तू नहीं समझेगा यार। छोड़ दे इसको, पूरा टाइट हो गया साला। अरे पीना है तो पी, नहीं पीना है तो जाना। अरे एक चंदू ग्रुप है जहाँ मस्त पत्ता खेला जाता है, चलेंगे मस्ती करेंगे। अच्छा तू उस ग्रुप की बात कर रहा है क्या? अगर वहाँ गए ना तो मिनिमम 5 लाख का झोल हो सकता है। हे जिस जिसके पास जितना पैसा निकालो, चल निकाल। अरे यार बियर के लिए पैसे नहीं, तू पैसे मांग रहा है। साले कम से कम तू तो दे। अरे ले भाई, अपने पास तो सिर्फ 500 रुपए पड़े। तू निकाल। भाई तेरे को तो अपनी हालत मालूम है ना, मैं तो हमेशा ही खाली रहता हूँ। ATK ऑल टाइम खाली, कलकत्ता वाली। ये ले, इसे गिरवी रखे, पैसे लेके आ। अरे यार ये तो तेरे पापा ने तुझे गिफ्ट किया था और तू इसे बेचने की बात कर रहा है? मैं बेचने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ पागल, गिरवी रखे, पैसे लेके आ, बाद में छुड़ा लेंगे उसे। अच्छा तो तू जुए में जीतेगा ये तुझे पक्का मालूम है? गुलाम बन के पैदा हुआ हूँ, तू सिर्फ मेरा जलवा देख। अंदर आएगा, अंदर आएगा, अरे नहीं बाहर आएगा, अरे अंदर आएगा, अंदर आएगा। गुलाम आया ना, टिक्की। 5,000 मेरा, 2,000 मेरा, 3,000 मेरा। ओए शो करके निकल जाओ। ये क्या, ये तो जीतता ही जा रहा है। जीतने देना, देखते हैं कहाँ तक जीतता है साला। चल रहा छोटे, कितना हुआ? 17,000 हुआ है। इसमें आधा निकाल और बहुत छुड़ा कर ला, और आधा पर्सनल खर्चे के लिए रख। हाँ 15-15 का दांव खेलना डार्लिंग। नहीं गुरु, मैं गेम छोड़ रहा हूँ। तू छोड़ना चाहता है लेकिन हम तुझे छोड़ देंगे क्या? एक और गेम खेलना डार्लिंग। टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तेरे पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है डार्लिंग। हाँ छोड़। नहीं छोड़ा तो मार खाएगा। तू कौन है, तेरी औकात क्या है, पब्लिक के सामने तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है? ये चंदू का स्टाइल है, इसको ट्रिक फाइट कहते हैं। मेरा ग्लास सेफ है और मेरा सर सेफ है और तेरा सर ओपन है। Oh!
छोड़ दे डार्लिंग। Hey! खेल को खेल की तरह खेलेगा तो ही खेल का असली मजा आएगा। हा? और तू साला चार चिंदी लोगों के साथ में बिठाकर खेल का मजाक उड़ा रहा है। जीतना चाहता है तू? नहीं, जीतने के लिए किस्मत चाहिए और किस्मत यहाँ लिखी होती है। दोबारा दिखा तो आंख फोड़ दूंगा। चल। अनिल, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। अगर जिंदगी जीना है ना तो रिस्क लेना पड़ता है। क्या भाई, वो पागल चंदू कौन है पता है तेरे को? कौन है बे, कोई मिनिस्टर का बेटा है क्या? बात करता है ये, पता है तेरे को उसके बारे में? हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे वो। hey! मैंने उनको मारा है, और अगर तेरी इतनी फट रही है ना तो घर में जाके कहीं छुप जा, और वो साले आए तो मेरे घर का पता बता देना और घर जाके आराम से सो जाना। ठीक है भाई, आता हूँ मैं। जा रहा है क्या भाई? हाँ ठीक है। आज ही उसे पैसे देने वाला है क्या? ठीक है, उसे पैसे दे के आज ही प्रपोज कर दे। पैसे देकर प्रपोज करने वालों में से मैं नहीं हूँ। मतलब? तू समझेगा नहीं, जा। इतनी रात को तुम? ये पैसे। ए, ये क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब छोड़, ये पैसे रख ले। वाव, थैंक यू सो मच। लेकिन ये क्या? 10 रुपीज, 20 रुपीज? What is this? ये सारा पैसा तुम्हारा ही है ना? वो मेरा एक दोस्त ऑफिस में काम करता है ना, उससे उधार लेकर आया हूँ। लेकिन नकली नोट नहीं है। Anyways, thank you so much. Love you, Anil. Love you, baby. अरे क्यों मार रहे हैं इसे? मेरा बेटा है? तू मेरा बेटा नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। इतने सालों से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ मैं, आज तक मैंने डंडे का इस्तेमाल तक नहीं किया। वो पागल चंदू कौन है मालूम है तेरे को? 17 साल की उम्र से वो लोग यहाँ पे राज करते आ रहे हैं। और उसका बड़ा भाई कौन है मालूम है? बबलू चंद्रा कौन है मालूम है? कैट माधव का जमाई है। और कैट माधव कौन है मालूम है? माही का चेला है। और माही कौन है मालूम है? गौरी पाल का काउंसिलर है, काउंसिलर। बस इतना ही है ना? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं है ना? ए, बकवास बंद कर। सुनिए पापा, आप ऐसे लोगों के लिए खाली पीली अपना बीपी मत बढ़ाइए। ऐसे काउंसलर न जाने कितने होंगे, इससे हमको क्या? लेकिन तेरे को ये नहीं मालूम है कि ये उन लोगों में से नहीं है। पूरे बैंगलोर में बड़े बड़े लोग दत्ता के अंडर में, यहाँ के बड़े बड़े गुंडे, छोटे छोटे गुंडे दत्ता के नाम पे राज करते हैं। राज मालूम? तो क्या हो गया? तूने उसको क्यों मारा? पहले उसने मुझे मारा था। वहाँ ताश खेलने गया क्यों? तो उसमें क्या हुआ? तेरा वहाँ जाना और उन लोगों के साथ बैठ करके ताश खेलना, ये तेरी सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती उनसे पंगा लेना, तीसरी गलती उनके ऊपर हाथ उठाना, चौथी गलती मेरी बात नहीं मानना। मैं ऐसे चिंदी लोगों के हाथों मार खाने वालों में से नहीं हूँ। पहले उसने मुझे गाली दी, मुझ पर हाथ उठाया तो मैं क्या करता? मैंने उसे मार दिया। और हाँ, आप उन लोगों की इतनी सिफारिश क्यों कर रहे हैं बताइए? बेटा तेरे को नहीं मालूम, मर्डर, रेप, अपहरण करना, उनके बाएं हाथ का खेल कितना कर चुके, कोई गिनती नहीं है। मैंने खुद कितनी लाशों को उठाया, लेकिन तुम्हें उन परिस्थितियों में मैं नहीं देखना चाहता। ठीक है पापा, आज से मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। तो ठीक है, चल मेरे साथ। कहाँ? उन लोगों से माफी मांगने के लिए बेटा, जो तूने गलती की। मैं और माफी? हाँ, माफी मांगने के लिए? हाँ। मैं नहीं जा रहा। हाँ। माफी मांगने? अनिल, अपने पिताजी की बात सुन ले, जाकर उससे माफी मांग ले बेटा। माँ, तुमने एक मर्द बेटे को जन्म दिया है, और पापा उन चिंदी चोर लोगों से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा। जाके अपने पति से बोलो कि स्वाभिमान से जीना पसंद करें। ये बिल्कुल नहीं सुधरेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ मीनाक्षी। तेरे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। और दे दे इसको लाड़ प्यार, क्या खा के पैदा किया था? बस भी कीजिए, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं आप? सब्र से काम लीजिए। अनिल। हे प्रिया, अब तुम उन गुंडों के पास जाओगे और उन सभी से सॉरी बोलोगे। लेकिन प्रिया, वो तो जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ये कह रही थी कि तो हो जाने दो, मुझे अकेला छोड़ दो बस। ये पापा, चलो सॉरी बोलते हैं। गुड, ये मेरा बेटा है, पुलिस वाले का, देखा तुमने मीनाक्षी? चलो चल मेरे साथ। अंकल इतनी देर से विनती कर रहे थे, लेकिन नहीं, आप इतनी देर से समझा रही थी, लेकिन एक गोरी चिट्टी लड़की ने क्या बोल दिया? सॉरी बोलने के लिए तैयार हो गया, कहीं आगे चलकर आपका बेटा उसका गुलाम ना बन जाए। मेरे कदमों की आहट सुनते ही डर के भाग जाते हैं जो, मैं
जो बोलू पाँव में घुंघरू बांध के आ जाए, मेरे जैसा जिगर उनके पास है क्या, मेरे जैसा जिगर उनके पास है क्या, उनके पास है क्या, उनके पास है क्या। अरे वाह 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 वाह, क्या गाते हो भाई, क्या गाते हो भाई, भाई की जय, भाई भाई की जय, भाई भाई की जय, भाई भाई की जय। क्या बात है बाबा, अमरीश पुरी के बाद आपका ही नंबर है बाबा, क्या बात है, मस्त बाबा, अमरीश पुरी बिल्कुल है। अरे चुप कर, हमारे मामा हमारे जैसे हैं, तू इनका कंपैरिजन किसी से क्यों कर रहा है? क्या बात करता है, अमरीश पुरी के बाद मामा की जगह है, उधर सिनेमा में अमरीश पुरी, इधर यहाँ पे अपने मामा। अमरीश पुरी जैसा नेता बनता था ना, वैसे अपने मामा बनेंगे। सही बोल रहा है। ए, तू देखता जा रहे, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिनेमा के नकली नेताओं की तरह पैंतरे खेलू, मैं तो उनमें से हूँ जो पॉलिटिक्स के नए नए पैंतरे बनाता हूँ। आप खेल सकते हो मामा, आपके साथ इतने सारी पब्लिक जो है। खेलेंगे खेलेंगे, सबर कर। ला मेरा कंप्यूटर वाला मोबाइल दे। हेलो, हाँ क्या हुआ माही? हाँ भाई, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि राजनीति में हमेशा आगे वाले को खींचकर पीछे ले आओ, लेकिन मैंने उनकी बात कभी भी नहीं सुनी। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे होना क्या है, कब से तो मुझे कह रहे हो कि मुझे आगे लाओगे, कब तक इस माही को ख्याली पकवान खिलाते रहोगे बताओ? कुछ दिन तक सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। सब्र क्या करूं, जब तक सब कुछ ठीक होगा तब तक तो मैं रोड पर ही आ जाऊंगा ना। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अरे और क्या करना होगा, मेरे जो शूटर लोग हैं ना, वो अब पूरे के पूरे बेंगलोर को बंद करने की सोच रहे हैं। अब बेंगलोर को बंद होने से और कोई भी नहीं रोक सकता, ये तय है। मेरे लड़के लोगों ने ये फैसला कर लिया तो कर लिया, अब आगे जो करना है वो आपको करना है, कुछ भी हो जाए पर बेंगलोर बंद होके रहेगा। ये माही, माही ए, ये क्या खून खराबा है? झगड़ा हो गया भाई। तेरा मेकअप करके किसने भेजा है रे? कुछ लड़के थे भाई। किसने धुलाई की है रे? पुलिस क्वार्टर के लड़के थे भाई। देवराज के मरने के बाद क्वार्टर में तो शांति हो गई थी ना? देवराज ग्रुप के नहीं, दूसरे ग्रुप के लड़के आए थे, उन्होंने ही पिटाई की है भाई। भैया डार्लिंग, उसको तो उठा लूंगा। उठा ले उसको, जिसको चाहे उसको उठा ले, लेकिन मेरी इज्जत बचनी चाहिए। उनको खत्म किए बिना मैं शांति से नहीं बैठूंगा भैया, बता दे रहा हूँ आपको। ए बस कर, जिसने इसको धोया है कोई मामूली आदमी नहीं होगा, बहुत ही डेंजर आदमी लगता है, इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। ये दोबारा अगर उसके पीछे जाए ना तो उसको समझा कर यहाँ ले आना, अगर उसका टाइम पे इलाज नहीं किया तो हमें इसको खोना पड़ेगा। ए चंद्रा, तू समझदार आदमी है, तू ये काम कर ले, देख कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नमस्कार भाई, भाई भाई नमस्कार। ओहो हो मंजू, आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ भाई। ये वही है। ए ये कौन है? ये मेरा बेटा है। क्या है रे ये सब, ये सब कहना जरूरी था क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ इससे गलती हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं आपके पास लाया हूँ इसको माफी मांगने के लिए। भाई देखो जरा इसको, देखने में कितना ये मासूम दिखता है, हैं? और हरकतें देखो, अगर तू इसे यहाँ पर नहीं लेके आया था तो ये क्या हाल करते पता है? ये लोग तेरे ना बोटी बोटी करके कौओं को खिला देते। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, आज के बाद इनमें से किसी को घूर कर मत देखना, ऊंची आवाज में किसी से बात मत करना। नहीं, नहीं तो याद रखना आगे से माफी नहीं मिलेगी। और देख क्या रहा है, चल इसे माफी मांग। जा बेटा माफी मांग ले। अरे जा ना। चुप करे भाई, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, माफी मांग रहे हैं ना वो। hey. मांग रहे हैं ना माफी। माफी ऐसे मांगते हैं बे, पैर में गिर के मांग। अब तुम उन गुंडों के पास जाओगे और उन सभी से सॉरी बोलोगे। जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। अनिल क्या हुआ? क्या बताऊं, लाइफ में पहली बार चिंदी चोर लड़कों से मुझे खुद ही जाकर माफी मांगनी पड़ी। थू! और ये सब मेरे बाप की वजह से हुआ। वो मेरा बाप गांधीवादी है ना? अपने बाप पे नाराज मत हो, उन्होंने तुझे कितना रिक्वेस्ट किया पर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस लड़की ने तुझसे एक बार कह क्या दिया, तू सॉरी बोलने के लिए चला गया। अब जो कुछ भी हो उसे भूल जा। ओ गुरु, जिंदगी में जो भी बुरा वक्त होता है उसे भूल जाना चाहिए और खुशी खुशी जीना चाहिए। भैया जल्दी आ जाओ ना, बहुत लेट हो रहा है, केक काटना है हमें। कम ऑन अनिल, आज तेरा बर्थडे है, प्लीज बी हैप्पी और गुस्सा करना छोड़। और आज के बाद तू ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, रिलैक्स यार। ये बात नहीं है, इसकी नाराजगी की वजह ये है कि अब तक प्रियंका मैडम नहीं आई हैं। चीटी तू मुझे उकसा मत। हाँ 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 वेट कर ले, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, समझा? भैया क्या कर रहे हैं, जल्दी आइए ना। अरे रुक ना, प्रिया आने वाली है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं।
ओ, प्रिया का वेट कर रहा है। इस साल मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, वो सबको चकमा दे रही है, उसका इंतजार मत कर, वो नहीं आने वाली है। अनिल, आज तेरे लिए यहाँ इतने लोग जमा हुए हैं ताकि तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, और तू है कि प्रिया के इंतजार में बैठा है। ऐसे में तो सब लोग तुझसे नाराज हो जाएंगे, तुझे डिसाइड करना है कि किसे टाइम दोगी। ऐसी बात नहीं है दिव्या, वो भी मेरी एक फ्रेंड है, इसलिए जरा कॉल करके पूछ लेता हूँ कि वो आ रही कि नहीं। लास्ट कॉल। हाँ हे बेबी, हाँ, देयर इज अ कॉल फॉर यू। हु इज दैट? हेलो। हेलो। हाँ नी, कहाँ हो दिव्या? डिस्कोथेक में। नहीं आओगी क्या? अरे आऊंगी बाबा, बस थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ओके ओके ओके, पार्टी जस्ट स्टार्टेड, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ ओके बाय। बाय। लोग काले कौवे को उड़ाते हैं, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड कलर कलर के कौवे उड़ा रही है। अच्छा यार, अनिल ने प्रिया को प्रपोज किया? नहीं। तो फिर प्रिया ने प्रपोज किया? नहीं किया। तो हर वक्त तो प्रिया को उसकी गर्लफ्रेंड क्यों बोलता है? खुशबू से पता चलता है। ओ, इसको देख के लगता है कि जलने लगी है, इसमें भी जलने की बू आ रही है। इसके जलने की बू को चेक करके देखना ही पड़ेगा मुझे। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई, इसी जगह पर बैठकर हमारी माँ हमको दूध पिलाया करती थी, और आज इसी जगह पर बैठकर हम बियर पी रहे हैं, ये तेरा रोज का क्या रोना है भाई? भाई, इसको कहते हैं ठंडा प्यार। तू अगर इसी तरह टेंशन लेगा ना तो तू पागल हो जाएगा, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लगता है वो आ रही है। भाई, तू खाली फोकट टाइम वेस्ट कर रहा है, तू आज के आज उसे प्रपोज कर दे, समझा? तुम्हारी ये रोती सूरत देख करके हमारा हैप्पी डे भी बैड डे बन जाता है, समझा? हाय सैनी, कम। ये मेरा क्यूट लवली फ्रेंड है अनी, एंड ही इज सैंडी। हे गाइस, यू आर अ फ्रेंड, गुड गुड। समवन इज वेट फॉर मी, आई लिव Just okay. Go to your lovely friend. You can have a fun. Take it easy. See you, babe. Okay. Bye. बहुत थक गई हूँ मैं। पता है क्या? जहाँ पर पार्टी थी, वो एयरपोर्ट से ना बहुत दूर था। इसीलिए आने में बहुत देर हो गई। और ये जो मेरा फ्रेंड है ना, इसने कंपटीशन मेरी बहुत मदद की है। बिल्कुल भी एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है उसे। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। शायद तुम कुछ भूल रही हो दिव्या। Why? क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आज तो 1st November है। किसी का बर्थडे है क्या? हर्षा ताई का बर्थडे है ना? और इतना ही। तुम भूल गई ना, आज मेरा बर्थडे है। सॉरी डियर। ओके, लेकिन अभी 11:45 हुआ है, तुम्हारा बर्थडे कंप्लीट होने में अभी भी 15 मिनट बाकी है। ओके, खुश? अभी मनाते हैं, ठीक है? ये बात है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा बर्थडे भूल गई तो गुस्सा होना। बुद्धू, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? चलो बैठो। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। वो क्यों? करो ना, जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। अब आंखें खोलो, अब देखो। अपना चेहरा तो देखो, पता है इस फूल की तरह तुम्हारा चेहरा भी खिल गया है। अब फूंक मारो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ani. Happy birthday to you. Many many happy returns of the day. God bless you. Love you Ani. दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब बस घर जाकर मुझे रेस्ट करना है। जो भी बात है वो कल सुबह करेंगे, ओके? तुम घर जाओ और एंजॉय करो, अपनी गर्लफ्रेंड के सपने देखो, जी भर के देखो, ओके? बाय, गुड नाइट। अनिल, हाँ? मेरी एक हेल्प करेगा? क्या करना है? कल मेरा कंप्यूटर एग्जाम है, हॉल टिकट लेने जाना है। है? पागल हो गया? मैच देख रहा हूँ। एटलीस्ट ड्रॉप तो कर दे। दिव्या,
तुम जाने की बात भूल जाओ, आज सब बंद है और वैसे भी आज मैं बहुत बिजी हूँ। अनी, पता है क्या, आज कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है। आज बंद है। अरे लेकिन मुझे तो जरूरी काम से बाहर जाना है। लेकिन क्यों? अरे वो सेकंड राउंड के लिए सैंडी ने फोन करके बुलाया है, लेकिन अब कैसे जाएंगे? माफी के लोगों ने बंद करवाया है। अरे मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे जाऊंगी मैं? अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूँ ना। चल मैं तुझे अपनी बाइक से ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक गॉड। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने ड्रॉप करने के लिए कहा तो मना कर दिया और उसे लेके चला गया। अरे मैंने भी ड्रॉप करने को बोला तो मुझसे कहा कि उसके पास टाइम नहीं है। देख रही हो नांटी, वो मुझसे, निम्मो से, यहाँ तक कि आपसे और सबसे दूर होता जा रहा है, सब उस प्रिया की बच्ची की वजह से। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कहीं उस लड़की ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। माँ ये तो प्यार की बात है। बकवास मत कर। निम्मी, निम्मी आइंदा से ये बात दोबारा मत कहना। क्यों, क्यों ना कहूँ मैं? बोलने के लिए मना किया तो मत बोलना प्लीज। बंद के दिन तो सुकून से घर पे बैठना डार्लिंग, ऐसे बंद के दिन लड़की को लेके घूमना ठीक नहीं है ना डार्लिंग। चंदू दबा दे। दबाएंगे नहीं, मारेंगे पीटेंगे नहीं डार्लिंग, ऐसा बड़े भाई का ऑर्डर है। सम पॉलिटिक्स प्रॉब्लम, अगर ये कल नहीं आया होता तो आज इसकी क्या हालत होती मुझे खुद नहीं पता। जाने दो रे। अगर ये पक्का खिलाड़ी होता तो इस तरह से आकर माफी नहीं मांगता, उसको फेस करता। सही सही बोल, तू एक की पैदाइश है या दो की? इसका बाप एक होता तो इसका कैरेक्टर ऐसा नहीं होता डार्लिंग। भाई देखो तो। ए, ऐसे गुस्सा क्या दिखा रहा है? हाँ मारेगा, मार ना लड़की के सामने। मारेगा क्या डार्लिंग, मार ना लड़की के सामने। स्कोप दिखा रहा है, स्कोप दिखा डार्लिंग। आंख खुलने और आंख बंद होने से पहले तुझे गायब कर सकता हूँ, लेकिन इतनी भीड़ में नहीं, अकेला अकेला मारूंगा तुझे डार्लिंग। पीछे पलट कर देखे बिना यहाँ से निकल जा डार्लिंग। क्यों लड़की के सामने अपनी बेइज्जती करा रहा है? चुपचाप चला जा, राइट लेके निकल जा डार्लिंग। माई भाई की जय, 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 माई भाई की जय। यही वो गुंडे लोग थे? वो लोग तुम्हें इतना भड़का रहे थे और तुम खामोश खड़े थे। तुम जो मेरे साथ थे इसलिए। अगर वो लोग मेरे साथ बुरा सलूक करते तो? हाँ तो हाथ पाँव जोड़कर तुम्हें छुड़ा लेता। मतलब तुम फाइट नहीं करते? ये सब फिल्मों में होता है। हाँ। मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मेरे होते हुए तुम टेंशन क्यों ले रही हो, आओ मेरे साथ। हाँ? यार गार्डन में हीरो हीरोइन के माफिक गाना गाने जा रहा है क्या भाई? है अभी भी तू सुधरा नहीं सियाने। है सुना है छोटू को उड़ उड़ कर मारा है तूने? बचपन में कराटे सीखा था क्या भाई? नजर नीचे नीचे, तुझे पहले वार्निंग दिया, ऐसे ठसक से मत देख, समझा क्या? पागल चंदू को तो जानता नहीं, मामूली आदमी नहीं है वो, ऑलरेडी दो लोगों को टपका चुका है वो। एक बात प्यार से सुन, हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा तो हमेशा मस्ती करेगा, अगर तूने सैंड पट्टी दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चल निकल निकल जा इधर से। अनिल मैं बहुत टेंशन में हूँ। अब क्या हुआ? मुझे इस बात का टेंशन है कि मैं टाइम पर शो में पहुँच भी पाऊंगी कि नहीं। तुम्हें टेंशन हो रही है और मुझे खुशी हो रही है। खुशी किस बात की? अरे हाथ तो दे। भैया भैया अनिल, भैया भैया अनिल, अरे क्या हो गया? पापा पापा क्या हुआ? भैया आपकी गाड़ी लेके चले गए। क्या कहा? सच कह रहे हो पापा?
थैंक यू अनिल, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। तुम्हें मालूम है गवर्नमेंट ने हमें गाड़ी ड्यूटी करने के लिए दी है, तुम्हारे बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए नहीं। नमस्कार साहब, गौरीपाल का काउंसलर हूं, माही गौर नाम है। गेट डाउन, खड़े हो जाओ। गेट अप। साहब मेरे कुछ आदमियों को तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने अरेस्ट किया है। वो लोग दंगा फसाद कर रहे थे, अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या मिठाई खिलाएंगे? क्या साहब, छोटी सी रैली थी वो। बकवास बंद कर, रैली का मतलब समझता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ध्यान से सुनो, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, इस केस को मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। हाँ, ब्लडी स्काउंडल्स। लगता है आप हमारे बैकग्राउंड के बारे में जानते नहीं है। आपने क्या हमें कोई छोटा मोटा आदमी समझ के रखा हुआ है? डिपार्टमेंट हिला कर रख दूंगा आपका। अगर एक शब्द आगे बोला तो हवलदार बाहर निकालो सबको, खड़ा खड़ा देख के ना निकाल बाहर। बड़े भाई साहब बहुत गुस्से में आप बाहर चले। अरे हवलदार, तू पुलिस वाला होके भाई बोलता है? थर्ड क्लास के क्रिमिनल से पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो इनको, निकालो बाहर, बाहर निकालो, इडियट बाहर निकालो। अनिल, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या? इस चेन की गिरवी रखने पर कितना पैसा मिलेगा? 8 से 10 हजार रुपए मिलेगा। तो इसे गिरवी रखोगे? लेकिन क्यों? वो क्या है ना अनिल, मेरी जो कॉस्ट्यूम है ना वो बहुत ही चीप क्वालिटी की है, और वहाँ पर आने वाले सारे हाई प्रोफाइल के लोग हैं। जो लोग भी उस शो में आएंगे ना सब रिच फैमिली से होंगे, और अगर मैं अपनी चीप क्वालिटी की ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? ओके, बस 8 हजार ना मैं ला कर दूंगा, तुम्हें चैन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कहाँ से लाओगे? मैं कहीं से भी ला कर दूंगा। अनिल बहुत अर्जेंट है, मुझे आज ही शॉपिंग करनी है। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी, अनिल हियर, नो फियर। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। थैंक यू सो मच, लव यू अनिल, लव यू बेबी। मुन्नो, मुन्नो, ए मुन्नो, उठ, चलो, उठ। जब देखो सोया पड़ा रहता है। अरे तू है क्या, बैठ। ए दिव्या, कॉफी लेकर आ। इतने सवेरे सवेरे कैसे आ गया तू? अबे क्या सवेरे, हाँ दोपहर का वक्त हो चला है। हे मुन्नो, मुझे अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए यार, मुझे तेरे दोस्त से कुछ पैसे उधार मिलेंगे? ए, ब्याज पे पैसे नहीं लेना चाहिए, पनौती लगती है। अरे नहीं लगेगी यार, सिर्फ एक हफ्ते के लिए तो चाहिए। अरे एक हफ्ता तो क्या, एक दिन के लिए भी लिया ना तो मीटर चालू हो जाता मन्नू, है। कुछ भी हो जाए मुझे पैसे चाहिए। ए, तू समझता क्यों नहीं है, वो लोग हलक में हाथ डालकर पैसा निकाल लेंगे। जब गारंटी मैं लूंगा तो मेरे ऊपर आएगी बात, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं सब संभालूंगा, मेरे पापा का कुछ पर्सनल काम है और वैसे भी मुझे कॉल सेंटर ज्वाइन ही करना है। कॉफी। ए मेहरबानी करके मुझे बख्श दे यार, ये सब काम करना बहुत ही रिस्क है यार, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, तेरे पाँव पकड़ता हूँ यार। पता नहीं यार पागल हो गया, ये भी क्या करेगा यार, फंसाएगा मुझे। ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा? मुझे बहुत अर्जेंट है यार, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जाकर मेरी सिफारिश करो ना। ऐसे भी क्या तुम्हें इमरजेंसी है? वो भी मैं किसी को बता नहीं सकता और किसी को सुना भी नहीं सकता। कुछ सीरियस है क्या? अनिल मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन ये चैन है, इसे गिरवी रखकर पैसे ले लो। अगर घर वाले पूछेंगे तो? मैं उनसे कुछ भी कह दूंगी। ठीक है दो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, लो। थैंक यू दिव्या, यू आर ए ग्रेट फ्रेंड, चलता हूँ। अनिल क्या हुआ? तुम जरूरी काम के लिए ही ले जा रहे हो ना? हाँ कसम से, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अरे मेरी जिंदगी सवर जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे। ओके मिलता हूँ, बाय। तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या, पता नहीं मेरी फीलिंग कब समझोगे तुम। हे प्रिया, पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये लो तुम्हारे 8 हजार रुपए, रख लो। अनिल मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से घर चले जाओ। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ गुंडे तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुस गए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मारपीट कर रहे हैं। पापा, 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 मेरे से। पापा, पानी पीजिए, पानी पीजिए।
पानी पी लीजिए। तेज मत आ रही है, पानी पीजिए। मेरी बात सुनिए, पानी पी लीजिए। भैया भैया आप पानी पी लीजिए पहले। भैया कुछ गुंडे आकर पापा के साथ बहुत मारपीट करके गए हैं, उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाओ ना भैया। मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बेटे को जन्म देकर ही मैं सजा भुगत रहा हूँ। अब ऊपर वाला और जो भी सजा देना चाहता मुझे दे दे, मैं सब भुगतूंगा। शांत हो जाइए, सुनिए। हाँ दादा। सॉरी यार, बहुत सारे लोग थे, हम लोग यहाँ नहीं थे। कौन कौन आया था? माही के लड़के थे, बबलू, रेंगू, कैटू, पूरी की पूरी टीम आई थी भाई। तुम्हारे पापा ने माही को पुलिस स्टेशन से धक्का मार के बाहर निकाला था ना, उसी का बदला लेने के लिए आए थे। मैं उससे मिल गया था। हम लोग भी चले गए भाई। मीनाक्षी, पापा को हॉस्पिटल लेके जा। बेटा अनिल, भाई पीछे की तरफ मार्केट में चलते हैं, जहां दिखेंगे वहीं काट डालेंगे सालों को। छोटे, वसाहल्डी में तेरा कोई फ्रेंड है ना? हाँ मूसा है ना, उनके पास खुद का हथियार है ना? हाँ है। ठीक है, उसको इन्फॉर्म कर। ए अरे, साइड लगा, साइड लगा, साइड लगा, चल चल के चलते। तुम लोग उधर से आओ। हाँ हाँ। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। बोला ना कि मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता? तो मैं क्या करूं इसके लिए रे? मैंने तेरे भाई को मारा तो उसके पैर पे गिरकर माफी मांगा ना, और तूने मेरे पापा को मारा है तो अब तू इज्जत से उनसे माफी मांगेगा, दुश्मनी यहीं खत्म हो जाएगी। बचपन से इसी लाइन में पला बड़ा हूँ और तू मेरे को माफी मांगने को बोल रहे हैं? देख इज्जत से यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को दो टुकड़े कर देंगे। Hey!
हे मुन्ना, हे मुन्ना, हे मुन्ना, ये क्या किया मुन्ना तूने? चल निकल जल्दी यहाँ से, चल जल्दी, आजा। हाँ। अबे कटार से मारने की क्या जरूरत थी? अबे कटार से नहीं मारता तो क्या भूल सुंगा था उसे? अरे मुझे वो टेंशन नहीं है भाई। भाई अबे उसके आदमी को मारा है तो वो चंदू चुप बैठने वाला नहीं है। सुन भाई, चंदू कहीं मिला ना वहीं काट देने का साले को। हाँ अनिल। प्रिया टेल मी। बैड न्यूज, एक गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ? आज सुबह जो पंगा हुआ था उस चक्कर में एक बंदे का मर्डर हो गया यार। What? Oh my God! अनिल ये तुमने क्या किया? ये मैंने नहीं किया, ये मेरे फ्रेंड ने किया। लेकिन अभी वो मरा नहीं है, जिंदा है। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Okay, do one thing. तुम पहले जाकर पुलिस में सरेंडर कर दो, okay? Okay. Okay, do that. छोटे, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ यार। सारा इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा, तुम में से किसी का भी नाम नहीं लूंगा। वाह, तू अपने आप को सरेंडर करेगा और अपन बाहर खाक छानेंगे क्या? है? इसमें गलत क्या है? ए भाई, अपन ने किसी अरे गरे आदमी को नहीं मारा है, चंदू के आदमी को मार के अपन स्टार हो गया है। अब आगे जो कुछ भी होगा ना अपन तीनों के साथ होगा भाई, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, मस्त घूमने का है। क्या मंजुलनाथ, क्यों इतने टेंशन में बैठे हो? पता नहीं क्या बुरा वक्त चल रहा था कि उन लोगों से गलती हो गई। तू डीसी साहब की गाड़ी चलाता है, अंदर जाकर बोल, शायद तेरे बेटे को छोड़ दे। मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया जिसकी सिफारिश लेकर मैं जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, वो एक गुंडा है, उसके लिए सिफारिश करूंगा तो क्या इज्जत रहेगी? ये मेरी इज्जत का सवाल है भाई। इस तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, अभी तक तो थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, शाम तक बॉम्बे ट्रांसफर कर देंगे और बॉम्बे में तीनों पर ऐसा केस डालेंगे कि वो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएंगे। जो कुछ करना है अभी करो। वो तो अच्छा है कि बाहर से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन मंजुल ये सब क्या है? सर तुमने कैसे बेटे को जन्म दिया है? हम लोग क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और एक तुम लोग हो कि हमें क्राइम का साथ देने के लिए मजबूर करते हो। तुम लोग पुलिस वाले हो क्या? इस तरह के काम करने के लिए हम लोग हैं? इस तरह से तो बात बढ़ती ही जाएगी, तुम लोग कुछ करोगे तो वो लोग भी इसका जवाब देंगे, इस तरह तो ये मामला बढ़ता ही चला जाएगा। अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, तुम अपने बेटे को गांव भेज दो, क्योंकि वो गुंडे अब चुप नहीं बैठेंगे। देख क्या रहे हो? नमस्ते सर। हाँ हाँ, ये तुम लोग कौन ऐसे घर में क्यों घुस रहे हो? हैं? डार्लिंग, बबलू को कोई भी खिलाड़ी मारता तो चल जाता, लेकिन ये एलबोर्ड कौन है? कौन हो तुम लोग? उसको बुला दे, आखिरी बार उसकी शक्ल देखकर उसको हमारे पास भेज देना, बाद में तू देख नहीं पाएगा, भेज देना। हाँ वो गाँव गया? कहाँ गया वो? वो 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 गाँव गया है। उसको वापस बुला ले और हमारे हवाले कर, नहीं तो पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, समझ गए ना? जल्दी बुला लेना। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ता हूँ। मैं चला जाऊँ क्या? चला जाऊंगा। हाँ बोलो भाई। अरे ये सब क्या नाटक लगा रखा है? तेरा ये नाटक कब बंद होने वाला है बता मेरे को? बार बार तू उस पुलिस वाले के घर में क्यों घुस जाता है? पुलिस का घर हुआ तो क्या हुआ, उसने मेरे भाई को स्क्रैप कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू पिया हुआ है क्या? नहीं। तू सच बोल रहा है? थोड़ा सा। तुम लोगों के पेट में थोड़ा सा गया ना तो आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। जांघ का मांस पूरी तरह निकाल के लेफ्ट लेग स्क्रैप किया है, हाथ भी तोड़ दिया है, उसकी हालत मुझे मेरी आंखों से देखी नहीं गई। देखिए भाई, मैं उस कमीने को ब्रेक करना चाहता हूँ तो चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं उसको यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। अरे इस मामले में उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको। मेरे हिसाब से 2 दिन का गैप दे दे तू, फिर ये खुद ब खुद हमारे हाथ में आ जाएगा। जब एक बार आ गया ना तो वहीं पे खत्म कर देंगे उसको। मेरी बात सुन,
तू वहाँ से वापस आ जा। तेरे भाई की हालत बहुत खराब है। ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। हम अपने बॉस की खींची लकीर को क्रॉस नहीं करते हैं, इसीलिए वापस जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, जिस दिन मिलेगा फिनिश हो जाएगा। अगर वो हमको नहीं मिला तो इस एरिया के लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारे घर को राख कर देंगे। वो एक किसी लड़की के साथ भी घूमता है, उसका भी काम तमाम हो जाएगा। समझ गया ना? ये भी तू लाके घर में रख लिया है, हाँ? देखा? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या? अरे बोलो ना कुछ, क्या हुआ? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। आँख खोलो, आँखें खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं अपने आप से नाराज हूँ प्रिया। पापा ने इतनी बड़ी तलवार मेरे हाथ में देखी, तब से गिल्टी फील कर रहा हूँ यार। जो हो गया तो हो गया, पास्ट इज पास्ट। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए ये डिसाइड करो। अपने गुस्से को काबू में रखो और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो। तुमने जो किया उसका तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? नहीं प्रिया, देखो तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अनी प्लीज कन्विंस मत करो। अगर तुमने गलती की है और तुम गलती नहीं मान रहे तो इन बातों का मतलब नहीं। तुम मेरी बात मानते हो ना? हाँ, मानता हूँ। तो तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो। क्या बॉम्बे? पर क्यों? जब मैं कंपटीशन जीतूंगी तो मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। मेरे स्टार बनने के बाद मेरे बिजी शेड्यूल को मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना, तो हम साथ काम करेंगे, बहुत मजा आएगा नी। लेकिन तुम्हारा ये केस चालू रहेगा क्या? नहीं, बबलू के ग्रुप वालों ने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की। अगर वो मुझे जेल भेजेंगे तो अंडरवर्ल्ड से मिलकर मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा, इसलिए वो बगैर कंप्लेन किए मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? पुलिस वालों ने। वो कैसे? ये क्राइम की दुनिया बड़ी अजीब है प्रिया। यहाँ जो कीमत पानी की है वो खून की नहीं, जो कीमत नाम की है वो आदमी की नहीं, जो देश की है वो। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं, पुलिस के खेल की कोई लिमिट नहीं है प्रिया। अनी? वो लोग मुझे मार देंगे और अगर उन्हें मौका मिल गया तो मुझे चीर कर रख देंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं और मैं अपने सपने को मरते हुए नहीं देखना चाहता। अनी तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अनिल अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया, लोग ऐसा सोचेंगे। तो क्या हुआ प्रिया, तुम्हारी खातिर मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। हाँ, कल मेरा एक परफॉर्मेंस है, डांस शो है, तुम उस शो को देखने जरूर आना। ओके okay. कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? डब्बा परफॉर्मेंस। ये क्या है प्रिया, तुम इस कैबरे डांस के लिए इतने दिन से मेहनत कर रही थी? कूल। तू अभी भी गलत रास्ते पर खड़ा है, अब अच्छे रास्ते पे आके देख। कहीं भी खड़े रहने दो, लेकिन हमारे अपने भी तो कुछ संस्कार होते हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है ना? अगर माहौल चेंज हो गया
तो क्या बदन पे कपड़ा भी पहनना भूल जाते हैं? हमारे देश का भी अपना कुछ कल्चर है, लोग हमें इज्जत दिया करते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कोई इज्जत देगा। What Annie? तुम्हें मेरा ड्रेस पसंद नहीं आया? Leave it. एक काम करती हूँ, अगली बार मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी नहीं। सिर्फ ड्रेस की बात नहीं है, तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारे सपने मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। ऊपर से बॉम्बे जाने की बात कर रही हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम इतने क्यों डर रहे हो अनी? प्रिया, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं? Come on! तुम इतने इमोशनल मत बनो, यही मेरी दुनिया है, मैं ऐसे ही रहती हूँ। इन सब बातों के अलावा तुम्हें कुछ और भी कहना है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। तो बोलो ना। वो प्रिया, दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे I love your performance, babe. You are a great performer. No one is confident for you, babe. Oh, it is good. Thank you, but the credit goes to you because you were awesome. Why not? After all, I'm your costume designer. Hey, what are you doing? Get up from here. Hey, what the hell are you doing? ये तुम्हारे कपड़े क्या डिजाइन करेगा प्रिया? डिजाइन के नाम पर तुम्हारे कपड़े उतरवा दिए इसने। शर्म आनी, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुम्हें पता है ये कौन है जिस पर तुमने हाथ उठाया? पता है ये कौन है? कौन है ये? हाँ, ये कोई भी हो अनी, तुम सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी। इट्स ओके मैन। अब तो ठीक है ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी डूड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। कूल, ओके मैन, टेक इट इजी। बात ये है प्रिया कि मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन या वन मिनट। बात है कि प्रिया, कॉल फॉर यू। हेलो। अनी, मेरे पापा नहीं रहे। प्रिया, मैं तुमसे एक बात बोलूं? जब से तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार करके आए हैं, उसे लेकर अब तक तुम्हारी आंखों से एक कतरा आंसू भी नहीं बहा है। अरे, ये तो बहुत छोटी सी बात है प्रिया, यहां तक कि तुम्हारे चेहरे पर जरा सा दुख भी नजर नहीं आया। वो तुम्हारे पापा थे प्रिया। अनिल, जिस दिन मेरे पापा ने मेरी माँ को जलाकर मारा था, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो मेरे पिता भी कहलाने के लायक नहीं है। और ऐसे इंसान के लिए आखिर मैं आंसू क्यों बहाऊं? सही कहा। तो फिर? मैं किसी और पर डिपेंड तो हूं नहीं, तो मेरी जिंदगी का जो भी फैसला है वो मुझे ही करना होगा। और परसों जो कंपटीशन हुआ ना, उसमें मैं फर्स्ट आई। वीनस कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पता है उनकी ऑफर क्या है? 72 लाख फॉर 2 ईयर्स, मतलब महीने का 3 लाख। अनिल, व्हाट हैपेंड? प्रिया, तो इसका मतलब यह है कि तुमने मुंबई जाने का फैसला कर लिया? बिल्कुल, इसके लिए तो मैंने दिन रात मेहनत की है अनिल, और यही तो मेरा सपना था। मेरा सपना हकीकत में बदल रहा है और अब मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तुम तो सक्सेसफुल हो जाओगी प्रिया, लेकिन मैं तो फेल हो गया ना। प्रिया, कम से कम एक बार गौर से सोच लो। इतना टाइम कहाँ है? कल सुबह मैं मुंबई के लिए निकल रही हूँ, एक हफ्ते मुंबई में रहूंगी, 2-3 शोज है वहाँ, फिर एल्बम की शूटिंग स्टार्ट होगी। लोकेशन पता है? पेरिस, जर्मनी, लंदन, स्विट्जरलैंड। ओह माय गॉड, मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी अनिल। तुम्हारी लाइफ तो सेटल हो जाएगी प्रिया, पर मेरी लाइफ का क्या होगा? प्रिया, अगर मैं कहूँ तो रुक जाओगी? सॉरी अनिल, मैंने इस बारे में सोच समझ कर फैसला किया है, तुम ही क्या? अब अगर भगवान भी रोकेंगे तो भी नहीं रुकूंगी। अनिल, अनिल, तुम्हारी फ्रेंड स्टार बन रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम ऑन यार, कल शाम को मेरी फ्लाइट है, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आना पड़ेगा। ओके? अनिल, मेरी इस कामयाबी में तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। लव यू अनिल। अनिल, अनिल, इनोवा के पीछे गाड़ी रुकना। हाय। हाय। गिव मी अ बैग। ये लो।
उधर पास कर दे। ओह थैंक यू। अनिल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तुम चले जाओ। ओके बाय बाय। आई एम सो सॉरी आई गॉट लेट। छोटे सब बर्बाद हो गया। छोटे वो हर वक्त मेरा गाल पकड़कर आई लव यू बोलती थी छोटे, लेकिन आज तो वो भी नहीं रहा। उसने मुझे इस लायक भी नहीं समझा यार। वो दिन मुझे बार बार याद आता है जब मुझे वो आई लव यू बोलती थी यार, लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा। क्या बताऊं यार, एक टैक्सी ड्राइवर की हैसियत रह गई है मेरी। वो मेरी लाइफ से चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे छोटे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ यार। मैं भी सीरियसली बात कर रहा हूँ। तू कहाँ है, जल्दी से आ जा, वो लोग मोहन सर को मार डाले हैं। उन सालों की दुश्मनी मुझसे थी, ये वजह उन लोगों ने बेचारे मोहन को मार डाला। सुना है प्यार तो प्यारा होता है, पर वो तो मेरे प्यार को ही ठुकरा के चली गई। यार तुम लोगों ने क्या सोचा था, तुम मेरे साथ होशियारी कर लोगे हैं? सरेंडर करना चाहता हूँ। ए, नहीं चाहिए ये सब। मैंने तुम लोगों की बेल इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम लोग यहाँ वहाँ मस्ती करते फिरो। ये तो मैं ही जानता हूँ रे कि तुम्हें कैसे फांसी से बचाया। चुपचाप गाली लेकर निकल जाओ, नहीं तो यहीं पब्लिक में मारूंगा तुम्हें। दिव्या मैं भी आई। पब्लिक में नहीं मरना है तो बैठ जाओ, कम ऑन जीप में बैठ जाओ, बैठ जाओ जीप में, नो बैठ जाओ। तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? प्लीज डोंट शूट। मैडम आप पीछे हट जाइए, प्लीज प्लीज डोंट शूट। ए देख क्या रहे हो, हटाओ इसको, मैडम को हटाओ। अरे मैंने कहा था ना यहाँ शूटिंग हो रही है, देखो प्रिया मैडम है, चलो मैडम हट जाइए प्लीज। क्यों भाई, तुम तो अनिल को ही फंसाने चले थे। हाँ क्या बात कर रहे हो बॉस, वो पागल है जिसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। ये उनका कर्तव्य है, मौका मिले तो दुश्मन को भी आगे या पीछे से उड़ाना ही चाहिए, लेकिन जनता हमारे साथ है, पुलिस हमारी जेब में है, ऐसा बिल्डअप दे रहे थे। ये खेल क्या है भाई? किस पर यकीन करेंगे बॉस, सामने तो सब अच्छे रहते हैं, पीठ पीछे औकात दिखा देते हैं। वो कुछ ज्यादा ही पागल हो रहा है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। इसके लिए मैंने उसके साथ डील फिक्स किया है। ऐसा लगता है उसके साथ रहते रहते पूरी फील्डिंग बिठा रखी है। मैंने उसके लिए जो फील्डिंग बिछाई थी उसके बारे में उसे पता चल गया था, और वो छुप के पुलार में बैठा है। लेकिन ये उसके लिए बैड टाइम है, क्योंकि उधर मेरा दोस्त जैक्सन रहता है और उधर के सारे लड़के आधे पागल होते हैं। आज तो उसकी सुपारी फिक्स है। अरे हम लोग पहले ही एक टेंशन से अभी तक बाहर नहीं निकले, इसको एक और टेंशन चाहिए। बोलो ए छोटे, अगर वो मुझे मारता तो कोई टेंशन नहीं होती, साला मुझ पे गोली चलाता तो भी सहन कर लेता, लेकिन वो प्रिया पर एसिड फेंकेगा ऐसा कह के अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मिस्टेक किया। अरे उसने सिर्फ बोला, फेंका थोड़ी ना, हो सकता है वो तुझे डराने के लिए सही, लेकिन बोला ना। और वो ये बात भी जानता है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, ये जानते हुए भी उसने ऐसा बोला। चल मुन्ना गाड़ी निकाल, आज की रात हाईवे में बिताना है, ट्रैफिक भी ज्यादा है। अब आप सुनिए रामायण की अंतिम गाथा। वहाँ कौन कौन है? अकेला है। कर क्या रहा है वो? फुल टाइट। ये पैसे पकड़, किसी को बताना नहीं। हाँ ठीक, यहाँ से निकल ले। हाँ ठीक। अनिल Thank you.
नहीं डार्लिंग, मैं ये फील्ड छोड़ चुका हूँ, गांव में सेटल होने वाला हूँ, जमीन देख रहा हूँ, लाइफ में कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा डार्लिंग, अब गुंडा नहीं किसान हूँ मैं। काम हो गया? हाँ हो गया। अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक पोलार के करीब एक गांव है कि एक लड़के का खून हो चुका है। उसे मारकर एक ग्रुप के लड़के ये साबित करना चाहते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। अनिल अनिल पूरे बेंगलोर को हिला के रखा है, बॉस है बेंगलोर का। उसके सामने जो भी आएगा उसका यही हाल होगा, बचेगा नहीं कोई। पागल हाथी को छेड़ने की कोशिश नहीं करना, होशियार। सुन लिया तुम लोगों ने, वो लोग कितने पानी में, खुद अपने बारे में बता रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है फिर तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? नहीं सर, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ये तो दिखाई दे रहा है कि वो कितना अच्छा लड़का है, इन सब के बाद भी कहती हूँ अच्छा है। सॉरी सर, पर मैं आपको बता दूं कि मैं उसे 20 सालों से जानती हूँ। आई डोंट नो व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस, देयर हैज टू बी सम रीजन, अदरवाइज ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन बाय हार्ट। अरे बेटी, आई डोंट बिलीव इट। अगर वो अच्छे दिल का लड़का होता तो इस तरह से वो किसी को नहीं मारता, खुलेआम मर्डर नहीं करता, रॉबरी नहीं करता। हाँ देखो बेटी, तुमने एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होकर इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया है, सम्मान अचीव किया है, हैट्स ऑफ, तुमने इस देश का नाम ऊंचा किया बेटी। तुम जिसकी बात कर रही हो कुत्ते की मौत मारा जाएगा एक दिन। देखो बेटी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम उससे कोई वास्ता मत रखो, तुम अपने मंजिल पर ध्यान दो और अपने मुकाम पर पहुंच जाओ। ये अनिल कोई मामूली गुंडा नहीं है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। इसकी कहानी किसी माफिया डॉन की जैसी है और वो जिसे चाहता है उसका नाम अगर आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उसकी प्रेमिका दूसरी तीसरी कोई नहीं, वो है हमारी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार प्रियंका। ये सब क्या है दिव्या? टीवी पर जो भी बकवास दिखा रहे हैं क्या वो सच है? ये बिल्कुल सच है, वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन उसने मेरे सामने ये सब क्यों नहीं कहा? जान से भी ज्यादा चाहता है तुम्हें। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा मतलब क्या है। वो ये सब कहने से डरता था, अगर उसने इजहार किया और तुमने हाँ ना कही तो, इसलिए उसने नहीं कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। अनिल अगर मुझसे प्यार करता है तो उसका इस मुकाम तक पहुँचने से क्या संबंध है? संबंध है प्रिया, तुम्हारा उसको छोड़कर मुंबई चले जाना, मेरे बड़े भाई की मौत होना, इस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पूरे क्वार्टर्स में मातम का माहौल छा गया था, सभी लोगों का ये मानना था कि वो तुम्हारी वजह से गुंडा बना। एरिया के किसी भी लोगों को ये पसंद नहीं था कि उनके बच्चे अनिल से मिले। अनिल जहाँ भी जाता था कोई भी उससे बात नहीं करता था, और उसी बीच अनिल को गुंडे लोग मार देंगे ये न्यूज फैल गई थी। नहीं छोड़ूंगा मैं उन कमीनों को, छोड़ूंगा नहीं। वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग इस कंपाउंड से बाहर कब निकलेंगे। अनिल, अगर तुम्हारे पापा उन लोगों से जाकर कंप्रोमाइज कर लें तो कैसा रहेगा? अगर तुम कहो तो प्रिया से इजाजत ले लेते हैं, प्लीज मेरी बात मान जाओ। अपने भाई को खोने के बाद अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ओ सिस्टर, तुम लोग यहाँ बैठ कर दो चार कतरा आंसू बहाओगे और वहाँ अंडरवर्ल्ड से दो चार लीटर खून बह जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलो तुम्हारा डिसीजन क्या है। उस पागल के अपोजिट में कोई है क्या? अरे है ना, एक तो उससे भी बड़ा पागल है, एकदम संत के नंबर वन। अगर तू बोलेगा कि तू उसको मारने वाला है वो तेरे को भी सपोर्ट करेगा। एक बार मुझे उससे मिला दे। क्या बोला, ठीक से सोच ले भाई। मैंने सोच लिया, चल। ए भाई तू क्या करने वाला है पता है? मैंने बोला ना चल तो चल। क्यों रे, बाकी के लोग कहाँ गए? पता नहीं भाई, लगता है ट्रैफिक में फंस गए हैं। भाई वो अपनी तरफ ही आ रहा है। इसके मरने का टाइम आ गया है, लड़के लोग को बोल तैयार रहे। हेलो, हाँ दोस्त बोलो। हाँ हाँ, अरे पुराने दोस्त बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा ना। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। ए चले। हाँ भाई। मेरा पुराना दोस्त मंजुल नाथ है ना, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, चल उसके साथ कॉफी पी कर। ठीक है भाई। नमस्कार भाई।
ये कौन है रे? ओ, उस पुलिस वाले के बेटा है। गलती हो गई भाई। अरे गलती की है तो घर पर बैठना चाहिए था ना तुझे, यहाँ पर क्या कर रहा है? गलती की है तो अब भुगतो। नहीं भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तेरी इस बात की कोई गारंटी है? मुझ पे यकीन करो भाई, मैं सुधर गया हूँ भाई। पागल हो गया क्या? क्योंकि तेरा वक्त खराब चल रहा है, अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ये क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, भाई क्या भाई, क्या हो रहा है? पूरे शहर में अनिल 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 हाईलाइट हो गया है, आप कुछ लोगे क्या? वैसे भी वो जिस तरह से मरा है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी नजर में उसकी मौत इससे भी ज्यादा बदतर होनी चाहिए थी। फरहान, तू यहाँ बैठकर दारू पी, दिमाग मत खराब कर, बाइक की चाबी दे। कहाँ जा रहा है? आइटम से मिलने जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? मेरी मर्जी। वहाँ जाने के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3 किलोमीटर या 30 किलोमीटर सब नजदीक है। लेकिन वो इतनी रात को बाहर आएगी क्या? मैं एक रिंग मारूंगा ना, वो सब कुछ छोड़कर चली आएगी। घर वालों को मालूम नहीं पड़ेगा? वो मोबाइल को साइलेंट करके अपने तकिए पे रख के सोती है, मैं रिंग करूंगा ना तो वो उठ जाएगी। तुम सब प्यार करने वाले पागल होते हो, तुम सबको पागल खाने भेजना चाहिए। क्यों भाई? अच्छा खाता खाकर जान बनाने का टाइम है तो कुत्ता बन गया प्यार में। जो सच्चा प्यार करते हैं वो ये सब नहीं सोचते, जिंदगी में प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, अब तू कुत्ता बोल या जो चाहे। लेकिन ये सब करना जरूरी है क्या? अबे जब सब प्यार कर सकते हैं तो मैंने प्यार कर लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अबे मेरी बात सुन, तलवार पकड़ने वाले को प्यार नहीं करना चाहिए, यही अपनी पॉलिसी है, समझा? मैं नहीं मानता। छोटे कहाँ जाएंगे? जहाँ बोल। मुंबई? वहीं क्यों? प्रिया भाई, उसकी बहुत याद आ रही है, चलना मुझे उसे देखना है। किसी ने ठीक ही कहा यार, किसी से भी वास्ता रख लो पर ये प्यार करने वालों से ना 2 कदम दूर ही रहो, साले कभी भी फंसा देंगे। चलो अभी। ए, चलो चलो अपने अपने घर जाओ सब लोग। चलो चलो अनिल का बोल, अनिल का बोल, बोल अनिल का। क्या कर रही है? हेलो, बोल अनिल का। आप इसे क्यों मार रहे हैं? आप इसको जानती हैं? हाँ जानती हूँ। हम इसे डबल मर्डर की पूछताछ कर रहे हैं, पता है आपको? सो व्हाट, इंक्वायरी करने का ये कोई तरीका नहीं है। इंक्वायरी कर रहे हैं कहाँ ना? लुक, मैं इसे MBA पढ़ा रही हूँ, ये थर्ड क्लास लड़का नहीं है। आपको पता नहीं मैं कमिश्नर साहब के PA हूँ। आप उनसे बात करना चाहेंगे? सॉरी मैडम। ठीक है, मैंने कितनी बार कहा है? बताना अनिल कहाँ है? ब्लॉक नंबर 3 पे, डोर नंबर 11। हाँ साहब वहीं पे। चले दरवाजा खोलवा। सर सर, क्या नहीं, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, बच्चे पैदा करने काफी नहीं है, उनको संस्कार भी देने पड़ते हैं। वो तेरे को आते हैं क्या? जानते हो दो मर्डर किए हैं तेरे बेटे ने। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तुमने अपने बेटे को दूध पिलाकर बड़ा किया है या खून पिलाकर? चुपचाप बता दे वरना अंडरवेयर पे तेरे बाप का जुलूस निकालूंगी। मैडम प्लीज, मैडम ये बच्ची है, इसे कुछ नहीं पता, इसे मत मारिए। ये बच्ची है और तू कितनी बड़ी है? ए, तू कौन है रे? मैं पड़ोस में रहती हूं। क्या लगती है इसकी? हाँ, बता। तुझे तो देखकर पता चलता है कि तू इसकी क्या लगती है। चुपचाप बता दे वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। चलो अब तुम लोगों को मैं बताती हूँ, चलो चलो मेरे साथ। हाँ चलो अभी बताती हूँ, चलो। सर ये दोनों मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, चल बता। यस सर मैं आता हूँ। हाँ सर। सर अंदर से सिर्फ फोटो मिले। सर ये यही लड़की है, लड़का तो बहुत स्मार्ट है, अगर मिल गया तो रात भर धोएंगे, इतना मारेंगे धोएंगे कि उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। ए, ऐसे क्या बैठा है? चलो एक बात अच्छी तरह जान ले, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। कल सुबह तक अगर तुम्हारे बेटे ने थाने में आकर सरेंडर नहीं किया ना तो तुम सब के सब किसी केस में अंदर हो जाओगे, समझे? और तुम लोगों को भी, उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम लोगों को खबर कर देना, वरना तुम सबको भी अंदर डाल के वो कष्ट करेंगी कि तुम सभी को याद रहेगा, समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं? बड़ी सहरानी बनती है।
क्या देख रहे? उसको देख रहे हैं। वो तेरी बीवी है क्या? नहीं भाई साहब, वो मेरी दोस्त है। तेरी दोस्त है, हमको उल्लू समझा क्या? जाओ जाओ, एक बार देख के आ जाएंगे भाई साहब। अरे निकल यहां से। Get the hoarding removed immediately, okay? Yes, ma'am. मेरी प्यारी मीनाक्षी और मेरी प्यारी बेटी, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं ये सब, अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये सब देखते हुए मैं तुम लोगों के बीच नहीं रह सकता। जब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ तो तुम लोग रोओगे, वो भी मैं नहीं देख सकता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया लेकिन उसकी सही परवरिश नहीं कर सका, ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ। कल सुबह पुलिस आएगी, वो हमारा क्या हशर करेगी, वो भी मैं नहीं देख सकता। मुझसे नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ये सब सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, नहीं है मुझ में शक्ति। इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को बड़ी मुसीबत में छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझे पता था बेटी, वो कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे, क्योंकि उनका दिल मोम की तरह कोमल है और उनका नालायक बेटा उनके दिल को समझ नहीं पाया। माँ, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। इस तरह खामोश मत बैठो माँ, मार मुझे, मार। मैंने ये सब क्या कर दिया माँ, मैंने ये सब क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे गलती का एहसास हो गया है माँ। और माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तू मुझसे बात कर माँ। माँ, माँ मुझसे बात कर माँ, तू ऐसे चुप मत बैठ माँ, मुझसे बात कर माँ, मुझसे बात कर माँ। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। वाह 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 वाह, कितने आराम से सोया भैया। ए कपड़े ऐसे घूर के क्या देख रहा है, बहुत गर्मी है तेरे अंदर। चल चल निकाल तो, चल इसको भी लेके जा, जा छोड़ दीजिए। आगे फुटूंगा तेरी, चल। बात सुनिए, समझता क्या अपने आप को? रुक जा बेटी। ए, तूने क्या सोचा था तेरी गुंडागर्दी से हम डर जाएंगे? ए, देख, छोड़ दो उसकी टांगे, छोड़ दो, मार उसको। इस पूरे इलाके में कितनी गलियां हैं रे? 12 गलियां साहब। ओहो, 12 गलियां हैं, हर गली में इसकी बारात निकालो। ले जाओ इसे, ले जाओ, मार मार कर घसीटते हुए ले जाओ इसको, सबको देखना चाहिए। अरे ए, चल रहे, चल। ए, ए, कहाँ रहे हो, कहाँ रहे हो? ए, ए, रख रख उसको। तेरे को प्यार करने के लिए यही मिला था, चल कोई दूसरा जाके देख ले, इसके साथ रहेगी तू भी अंदर जाएगी, चल। रो मत बेटी, मैं तेरे को बता रहा हूँ बाप, उसका दिल बड़ा मोम का है, वो बिल्कुल सच्चा प्यार करता है, वो सच में हीरो है। सच कहता हूँ भाई, पूरे बैंगलोर के अंडरवर्ल्ड में बॉस तो अनिल ही है। शो करो भाई। वो कोई नशा वशा नहीं करता,
सुनो, इसके अलावा उसमें कोई ऐप नहीं था कि वो एक लड़की से डीपली प्यार करता था और वो लड़की उससे छोड़कर कहीं बाहर चली गई। इस पूरे शहर में आतंक फैलाने वाला बस एक ही लड़का है। भाई रियाज, बेंगलोर के गांधीनगर में मुस्लिमों को सपोर्ट करने वाला इनके सिवा और कोई नहीं है, और ये हमारा साथ देंगे, हमारे खिलाफ नहीं रहेंगे। हाँ भाई, मावली गांव में अशोक नाम का एक लड़का है, पूरे बेंगलोर में बहुत फेमस है वो। देखो, अभी मैं लड़ाई झगड़े से पक्कर बोर हो गया हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी दुश्मनी उन लोगों से खत्म नहीं हुई है। और अगर कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारा फुल्ली फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, तुम फ्रंट में रहो, मैं बैक में रहूंगा। अनिल, ये है शंकर। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था। मैं दोस्तों के लिए जान दे सकता हूँ और विश्वास करने वालों को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है। माई भाई का टाइम ठीक नहीं चल रहा था। गुरु, जेल के अंदर उसका राजा की तरह स्वागत किया जा रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए और क्या चाहिए गुरु? मेरी हालत देख, साले ने ऐसी स्थिति कर दिया ना कि अपन की इज्जत का कचरा हो गया पूरा सा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो टाइम चल रहा है उसे चलने दो, अगर टाइम उल्टा हो गया तो हम लोग भी उल्टे हो जाएंगे डार्लिंग। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या बोलूं? उनके जाने के बाद सब बिखर के रह गया। आप लोगों के अलावा हम लोगों का अपना कौन है सरोजा? इसमें कोई क्या कर सकता है, हम सब अपना अपना नसीब लेकर आए हैं। अब बैठिए, मैं कुमकुम लेकर आती हूं। सुनो, मैं अब कुमकुम लगाने लायक नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं? वो आप लोगों को छोड़कर गए हैं, इस दुनिया को तो छोड़कर नहीं गए। मैं उनके बारे में जानती हूँ, वो अपनी इज्जत खोकर जीने वालों में से नहीं है। हम लोगों को मझधार में छोड़कर जिंदगी जीने के लिए वो नहीं गए हैं, मैं जानती हूँ। चलती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अच्छा बेटी, चलो बेटी। चलती हूँ बहन। बाय बाय। I love you. सॉरी अनिल, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ नया घर खरीद लिए हैं, लेकिन हम तुम्हारी दोस्ती जिंदगी भर याद रखेंगे। हाय अनिल, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है और हम लोग वही जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी या नहीं। बट एज अ फ्रेंड, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम पहले जैसे अनिल बन जाओ, यही मेरी दुआ है। भैया, रो मत मेरी बहन। हम लोग अपना घर छोड़कर नाने के घर में शिफ्ट हो गए हैं। पेंशन के पैसे से चार लोगों का गुजारा नहीं होगा, इसलिए नाना जी सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं और माँ भी काम ढूंढ रही है। हे, नहीं 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 नहीं, उन्हें काम करने के लिए मत कहो, मैं पैसे भेजूंगा बहन। भैया, वो पैसे माँ नहीं लेगी। लेकिन भैया, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप आगे से कोई गुनाह नहीं करोगे। ऐसा मत बोल, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हालात के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तब फिर ठीक है, जो अच्छा लगे वो करो। निम्मो मैडम, जरा हमें भी तो बात करने दो, यहाँ ज्यादा बात करना अलाउड नहीं है। तो बात करना, आप जरा बाहर जाने का कष्ट करेंगी। बाय भैया। हेलो, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराज नहीं हूँ, जेल के बाहर अगर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो वो है ये दिव्या। तुम शतरंज का खेल खेलते हो ना, तुम बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तू ये कितनी बार बोलेगी, बस करना। अरे हाँ, तेरी चैन मैंने गिरवी रखी थी ना, तो तूने माँ से क्या कहा? मैंने कहा चैन गुम हो गई, और माँ को तो तुम जानते हो ना, उसने अच्छे से धुलाई की। ठीक है, पैसे भिजवा दूंगा, नई चैन ले लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो मैं जिंदगी के आखिरी पल तक नहीं लेने वाली। चैन छोड़कर तुमने मुझे और क्या दिया है?
वो सब तुम्हें बाद में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अब अनिल, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्ली लग रही हो पूरी। क्या कहा? तू चूड़ीदार सलवार में बहुत अच्छी लगती है, ये पैंट शर्ट में क्या रखा है? ठीक है, बाय। बाय। चिच्चोर, लेकिन तुमने मेरी तरफ कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मेरी बात सुन, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, अपने लड़कों को इकट्ठा कर और जाकर उसको तोड़ डाल, समझा क्या? 5 लाख रुपए कम नहीं होते भाई। तुम जो बोल रहे हो ना वो किसी हद तक सही है, लेकिन जब साले अनिल को देखता हूँ ना, उसे तोड़ने का नहीं, गोद में लेके प्यार करने का दिल करता है। बुजदिलों की तरह बात करता है। अभी तो नहीं होगा भाई, 3 महीने का टाइम दे, देखते हैं होता है या नहीं। क्या रे शिवा, तू भी जाके उसके साथ मिल गया? क्या करे, सोचा था कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अशोक के चक्कर में मिल गया। उसके चक्कर में रह के तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं माला माल कर दूंगा तुझे। अरे क्या काम है भाई, जो काम है बोलो ना भाई। अनिल का गेम बजा के उसे ऊपर पहुंचाना है। क्या भाई, क्या हमारी दोस्ती तुमको अच्छी नहीं लग रही है? भाई जब तुम्हारे जैसे की वो ये हालत कर सकता है भाई, तो हमारी क्या भी साथ है भाई, ये हमसे नहीं होगा। क्यों, तेरे से नहीं होगा? जब वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है तो कोई पूछने नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। बेकार में गुस्सा मत करो भाई, हमारा बॉस जो है ना वो अभी जेल में है, ज्यादा नहीं 3-4 महीने में बाहर आ जाएगा, फिर सारा मैटर फिक्स हो जाएगा। 6 महीने से तेरा इंतजार कर रहा हूँ भाई, मेरी हालत तो देख, खोपड़ी उड़ गई है, कुछ तो करो भाई, अपन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मालूम है भाई, लेकिन क्या करें, परसों यहाँ के जेलर ने सुसाइड कर लिया है। अरे यार, देवता जैसा आदमी था, इस वक्त जेल की सिक्योरिटी टाइट है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें 3 महीने इंतजार करना होगा। त्रिलोकी ने 3 महीने का टाइम दिया, मैंने दिया भी उसे, उसने कोई जवाब नहीं दिया, सुनने में आया कि ऊपर चला गया है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो पागल हो गया हूँ, सच कह रहा हूँ। ए चंद्रा, उसने तो तुमसे सिर्फ 3 महीने का टाइम मांगा, लेकिन मैं तुमसे 8.5 महीने का वक्त मांगता हूँ, क्योंकि अभी उसका गुरु जो है वो बहुत मजबूत है, अभी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर उसे किसी तरह बाहर निकाल। अरे वो बाहर आकर हमारी गेम बजा देगा, उसे अंदर ही रहने दे। इसीलिए बोल रहा हूँ डार्लिंग, किसी तरह से उसको बाहर निकाल। अबे कैसे निकालूं? उसकी वीकनेस ढूंढो डार्लिंग। बॉस, मैं भी भागलपुर का रहने वाला हूँ, और प्रिया मैडम भी वहीं की है, मुझे बहुत पसंद है, हमारे शहर की होके वो बॉम्बे में नाम कमा के आ रही है, लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझेंगे, और वो लोग उनके चेहरे पे ऐसे फेंकने की बात कर रहे हैं। आप उनको बचा लो भाई, मैं आपको यही खबर देने आया था, चलता हूँ भाई। छोड़े, बेल का इंतजाम करवाओ। प्रिया 3 दिन के लिए यहाँ आ रही है, हमें उसे प्रोटेक्शन देना है। वैसे आपके पति को क्या हुआ था? उनको जॉन्डिस हुआ था। और आपका बेटा? उसका एक्सीडेंट हुआ था। आपके पति की जगह आपको नौकरी मिली ना? हाँ, और क्या करती, बेटी काम करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान सब ठीक कर देगा, अपनी बेटी को बुलाइए। दिव्या, दिव्या, मैं उसे लेकर आती हूँ। दिव्या, तू अब तक तैयार नहीं हुई? मुझे ये शादी नहीं करनी माँ। क्यों? मुझे ये पसंद नहीं है। ये तो क्या बोल रही है? मुझे नहीं करनी शादी। ए, सही सही बता, तू किसी और से प्यार करती है क्या? बोल। हाँ, प्यार करती हूँ। कौन है वो? अनिल। हे भगवान, तुझे प्यार करने के लिए वही पापी मिला और कोई नहीं मिला तुझे? मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। आज के बाद तुम इस घर में उसका नाम नहीं लोगी, वरना मैं तुम्हारा गला दबाकर मार दूंगी। चुपचाप चल, चल कहा ना, चल, मुझे पसंद चल। है। वो? हाँ? नहीं बेटी, माँ तुमने मुझे कभी नहीं समझा और ना ही कभी मेरे प्यार को समझ पाओगी, मुझे अकेला छोड़ दो माँ, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसे पागल जैसी बातें नहीं करते, मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ। पुलिस और गुंडे उसे मार देंगे, सब उसके पीछे पड़े हैं। अनिल की जिंदगी कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो जैसे जेल से बाहर आएगा सब लोग उस पर टूट पड़ेंगे। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ था, तू जानती नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ था। वो गुंडे लोग उसे मारने का पूरा प्लान कर रहे हैं और पुलिस भी उनका सपोर्ट करने वाली है, और अगर वो बाहर आ गया तो पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है अनिल उसका जिम्मेदार है। देख दिव्या, हमारे घर में किसी का भी घर संसार ठीक से नहीं बसा, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है और उसकी दुकान भी है, आ जाओ
एक बार उनसे मिल तो लो बेटी, आ जाओ। नहीं माँ, नहीं। दिव्या तुम मुँह आंटी कहाँ है? माँ छत पर कपड़े सुखा रही है। तू मेरे साथ चल, कहाँ जल्दी? अरे लेकिन कहाँ ले जा रही है आंटी? हाँ ये क्या हो बेटी? आंटी मुझे आपकी मदद चाहिए आंटी। क्यों? अगर वो गुंडा यहाँ आए तो उसे रिक्वेस्ट करना कि वो अनिल को ना मारे। मैं किसी को नहीं मना कर सकती। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, अनिल मेरे लिए मर गया है। प्लीज ऐसा मत बोलिए आंटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आने वाले एक महीने में उसको मारने का प्लान बनाया है उन गुंडों ने। मारने दो, माँ होकर मुझे दुख नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रहा है? मैं इस वक्त सब बताने की स्थिति में नहीं हूँ आंटी। प्यार करती है उसे? अगर वाकई में प्यार करती है तो तू अपने भविष्य को बिगाड़ने पे तुली हुई है। मेरा बेटा गलत इंसान है, उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर बेटी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? गलती तो इंसान से ही होती है ना, आप उसे माफ नहीं कर सकती? अगर उसने मेरा सुकून छीना होता तो माफ कर देती, लेकिन उसने मेरा कुमकुम मुझसे छीना है तो कैसे माफ कर दूं उसे? मैं मानती हूँ आंटी, लेकिन उसके लिए ना सही, लेकिन आंटी मेरे लिए, मेरा कुमकुम बचाने के लिए तो मेरी हेल्प कीजिए। दिव्या ये तो क्या बोल रही है? आंटी मैं अनिल से बहुत प्यार करती हूँ, अब आप ये बताइए मैं क्या करूँ? दिव्या तू अभी बच्ची है। प्लीज मैं समझने की स्थिति में नहीं हूँ, आपको चलना है तो चलिए वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ मेरी बात मानो, दिव्या के साथ चलो। आंटी प्लीज सुनिए, आपका बेटा मेरे बेटे को मारने का प्लान कर रहा है, आप कैसे भी अपने बेटे को समझाइए, क्योंकि हमारे आगे पीछे और कोई नहीं। सुनो बेटी, बच्चों को जन्म देकर जिंदगी में क्या क्या सहना नहीं पड़ता है। ये मेरी बेटी सुवर्णा है, जिस तरह से तुम मेरे पास आई हो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह वहां जाती तो इसका सुहाग उजड़ने से बच जाता। हाँ बेटी, अगर ये बच्चे अपनी माँ की बात सुनते तो इस दुनिया में गुंडागर्दी कभी नहीं होती। अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम रोओगी और मैं भी तुम्हारे साथ आंसू बहाऊंगी। अगर मेरा बेटा मर गया तो ये नालायक बच्चे कब सुधरेंगे पता नहीं। आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, खुद तो शमशान में जाएंगे और अपने घर वालों को भी शमशान में लेकर जाएंगे। उनकी तुम आश छोड़ दो। जब कोई बेटा अपने हाथ में तलवार उठा ले तो उसकी माँ को अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये सोच लेना चाहिए कि उसका बेटा मर गया। मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन इस बच्ची ने मुझे मजबूर किया यहाँ पर आने के लिए। कौन है तू? उसकी बीवी है क्या? होने वाली बीवी हूँ। सती सावित्री बनकर जीना। अगर तुम्हें पति चाहिए तो हर दिन तुम्हें यमराज से लड़ाई करनी होगी। आंटी चलो यहाँ से। अच्छा दीदी चलते हैं। संभल कर जाना। क्या डार्लिंग, डोंकी डॉन अनिल जी ने चूड़ीदार कमीज पहनाकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भेजा है क्या? आज तक वो हमारे साथ उछल कूद कर रहा था, लगता है उसमें जीने की तमन्ना जाग गई है। बस कीजिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये WWF का खेल नहीं है कि जब मन हुआ टीवी बंद कर दिया है, या वो रहेगा या हम रहेंगे, समझे? अनिल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बस सयाना है, खुद नहीं निपट पा रहा तो तुझे भेज दिया है। अनिल ने हमको नहीं भेजा, हम अपनी मर्जी से आए। ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। अब तू आए कोई भी आए, कोई फायदा नहीं होने वाला, अपन उसको छोड़ेंगे नहीं। अब तो उसका आखिरी टाइम आ गया है। उसको जाके बोल दे डार्लिंग, धागा रेडी है, गोनी रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस उसकी पैकिंग बाकी है डार्लिंग। और तू अपने लिए पहले से एक सफेद साड़ी खरीद ला। ऐसे क्या देख रही है, इसका क्या मतलब है डार्लिंग? मैं इतनी देर से इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी कि तुम लोग उसको मार दोगे, क्योंकि उसके हाथों तुम्हारा खून ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन तुम्हारा टाइम ही खराब चल रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जाओ मारो, चलो आंटी। आओ डार्लिंग, हमारा ही टाइम खराब है, जो गाली देता है उसे देने दो। तुम वहाँ क्यों गई थी मेरी माँ और बहन को साथ लेकर के? तो क्या करती मैं क्या करती बताओ ना, वो लोग तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना चुके थे और ये जानने के बाद मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाई हूँ। मौत आने से पहले मैं नहीं मरूंगा। अपने लिए ना सही, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें चाहते हैं कम से कम उनके लिए तो जियो। क्यों जियूं मैं उनके लिए? हाँ ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अनिल, प्लीज समझने की कोशिश करो। जानते थे तुम्हारे बाहर आते ही तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा तो फिर बाहर क्यों आए? प्रिया आई थी उसको देखना था, एनकाउंटर से मैं नहीं डरता। तुम प्रिया को अब भी भूल नहीं पाए हो ना?
वो तो लॉन्ग लाइफ के लिए मेरे दिल में बस गई है। मेरे साथ ही ऐसा होना था। सबने कहा मुझे और मेरे दिल ने भी मुझसे कहा कि दिव्या तू गलत कर रही है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें रोज यहाँ देखने आती हूँ। तुमने इसका बहुत अच्छा सिला दिया। थैंक्स। हे दिव्या, अरे मेरी बात तो सुन। बस कर यार, वो दिव्या उसको जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ वहाँ जाकर आई। वो पुलिस वालों के सामने, गुंडों के सामने तेरे लिए हाथ जोड़ रही है और तू है कि उसे हर्ट कर रहा है यार। मैंने उसे कहाँ हर्ट किया यार? तो ये सब करना जरूरी था क्या? अरे अब तक तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला है छोटे। ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है, तू क्यों इतना परेशान होता है? और तू क्या प्रिया के पीछे नहीं भागता? मेरे हिसाब से तो तुझे दिव्या से प्यार करना चाहिए, प्रिया से नहीं। तेरे लिए वही अच्छा होगा। एक से प्यार किया पर बता नहीं पाया, उसके पीछे भाग भाग कर साला आधा पागल हो गया हूँ मैं। और अब इसके पीछे भागूंगा तो पता नहीं कितना वक्त और लगेगा। दिव्या को कह दे, वो मान जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ यार। दिव्या बहुत अच्छी लड़की है और ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझ पर मरती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ उसकी गोद में अपना सर रख के पूरी जिंदगी गुजार दूँ। लेकिन फिर कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कहीं उसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए मैं उसे कभी कह भी नहीं पाया। मैं उससे हमेशा दूरी बना के रखता हूँ ताकि वो खुश रहे। तुझे क्या लगता है, मैं समझता नहीं? मैं सब समझता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अगर प्रिया आ गई तो? अगर वो आ गई तो वापस जाएगी। तो क्या उस समय तू उसे प्रपोज नहीं करेगा? लड़कियों को प्रपोज करना कोई आसान बात नहीं है यार। उसके लिए सीने में एक दिल होना चाहिए। जब हम दोनों एक दूसरे के करीब थे तब तो कर नहीं पाया, अब जब वो मुझसे इतनी दूर चली गई है तो क्या कर पाऊंगा? अब लाइफ का ये चैप्टर क्लोज। तो फिर दिव्या का क्या होगा? इसी तरह अवॉइड करता रहूंगा, वो भी एक दिन थक के खामोश हो जाएगी। और एक दिन उसकी माँ किसी अच्छे लड़के को देख के उसकी शादी करवा देगी। और मैं उस पागल चंदू का चैप्टर क्लोज करके उस पीएम का भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा। और फिर माँ के आगे हाथ जोड़कर निम्मू की शादी करवा दूंगा। और उसके बाद फ्री बर्ड होकर के भगवान से कहूंगा कि मेरे नसीब में जो भी है मैं वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पागल हो गया है तू। प्रिया। हाँ? अनिल सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करता था बल्कि पूजा करता था। वो सब कभी तुम्हें नजर नहीं आया, तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती, पहले ये बताओ कि वो है कहाँ। उसे पता चला था कि एक गुंडा तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकने वाला है, इसलिए उसका खून करके जेल में बंद है। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उससे कोई नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम एक ही हो जिसकी बात वो नहीं टालता। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें कभी ना नहीं कहेगा। तुम ही उसे समझाओ कि ये पाप की दुनिया वो छोड़ दे। प्लीज उसे समझाओ ना प्रिया, प्लीज। ये गुंडागर्दी वो छोड़ दे, प्लीज। ठीक है, मैं उसे इस दलदल से निकालने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन फिर उसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। ठीक है प्रिया, किसी के कहने पर वो मुझे प्यार करे, वो प्यार मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे ना मिले तो कोई गम नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चा भी कम नहीं है, उस दिन चंदू को उड़ाने गया है तो साला ये मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और आज मिला तो बैंगलोर जेल में। अच्छा ये साला हमारे से पहले यहाँ पहुँच गया। ए, क्या ग्रुप बना के बैठे हो? क्या थानेदार, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ बहुत बड़ा सीएम है ना। सुन रहे, हमारे लिए तो यही सीएम है और यही पीएम। ठीक है अपने पीएम को बाहर आने को बोलो, उसकी बेल हो गई है। बेल क्या भाई, उस दिन तो बोल रहे थे कि अभी मामला बहुत गर्म है इसलिए अभी कोई बाहर नहीं आएगा, एक महीने तक अंधेरी रहेगा। अनिल बाहर जरूर कोई गेम खेल रहा है। hey, तुझे क्या लगता है कि मैं उसका फेंका हुआ बिस्किट खाने वाला कुत्ता हूँ? साला करोड़ रुपए भी दे तो भी नहीं जाने वाला, समझा क्या? hey, फटाफट उसका बाहर भेजो। अरे जाना। अनिल जल्दी बाहर आना। हाँ तो बेल लेके आओ ना, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है तो कोर्ट का बेल ऑर्डर लेके आओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मारो और यहीं पे सजा दो। हम लोगों को दूसरा काम नहीं है क्या? हम लोगों ने बेल नहीं करवाई, किसी लड़की ने करवाई है। क्या लड़की? हाँ वो कोई फिल्म एक्ट्रेस है, नाम है प्रिया। प्रिया ही है? ठीक है मैं अभी आता हूँ। भाई लड़की का नाम सुनते ही भाई निकल गया बाहर, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होगा। वो लड़की अगर इसे चौथे माले से कूदने के लिए कहेगी ना तो ये बिना सोचे ही वहाँ से कूद जाएगा। चुप रह, ये बाहर जाएगा तो क्या होगा इसका, पता नहीं कैसे आदमी से पाला पड़ा है। अनिल, होम मिनिस्टर को जब पता चला कि तुम जेल से बाहर आ रहे हो तो उन्होंने तुम्हारे ग्रुप के सारे मोबाइल सीज कर दिए। ऐसे वक्त में सारे लड़के बहुत टेंशन में, कुछ करो अनिल। जाके कह दो मुझे कुछ नहीं होने वाला। अनिल तो चलें। नहीं प्रिया, इस वक्त मेरे दिमाग में एक नहीं कई बातें घूम रही हैं।
मेरी वजह से तुम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। जाओ यहाँ से। अनिल तुम? मैंने कहा ना तुम लोग जाओ यहाँ से। अनिल मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जहाँ ठहरी हो मैं वहाँ के तुमसे बात करूँगा। पागलों जैसे बातें मत करो अनिल, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए बेल पर छुड़ाकर नहीं लाए हैं। तुम चलते हो या नहीं? लेकिन दिव्या मेरी बात तो। ये लोग मुझे मारने वाले हैं, प्लीज तुम लोग मेरी कमजोरी मत बनो, मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ तुम लोग। प्लीज मैंने कहा ना तुम लोग चली जाओ यहाँ से। जाओ। अरे वो भाग रहा है, अरे पकड़ उसको जल्दी। अरे वो भाग रहा है, अरे पकड़ उसको जल्दी। अरे काटा इसको, काटा। प्यार करते हो? बोलो। हाँ, पर इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डर था कि कहीं तुम मुझे मना न कर दो। और इस प्यार के लिए तुम अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक ले आए? क्या करता, तुम्हें इसका एहसास नहीं है आफ्टर ऑल, और यही मेरी गलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉरी अनिल, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। जानता हूँ, बचपन से ही मेरा एक पैशन था कि मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसे आगे लेकर जाऊं, लेकिन मेरी गरीबी ने मुझे रोक लिया। और अनिल, यहां पहुंचने के बाद इस प्यार मोहब्बत की वजह से मैं अपने सपने को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ सकती। अनिल, ये भी जानता हूं। जानते हुए भी तुम ऐसा कह रहे हो? प्रिया, वो मेरा बैड टाइम था, और ये सब सोचकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम मुझसे प्यार करते हो
इस बात को जानने के बाद भी मैं परेशान ना हूँ, इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। अनिल, मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हर एक पल तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ मैं। जब मेरे साथ कोई नहीं था, उस वक्त सिर्फ तुम थे जिसने मेरा साथ दिया। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मैं अकेली रह गई, तो तुमने आकर मेरा हाथ थामा अनिल। भाई बहन, पापा, आंटी, अंकल, किसी भी रिश्ते की कमी नहीं महसूस होने दी तुमने। मैंने कभी भी ये शिकायत नहीं की कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि तुम थे। भगवान ने मुझे वो सब कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे रूप में एक फ्रेंड दिया। तुमने ही मुझे सबका प्यार दिया। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत महसूस होती थी, मैं तुम्हारे पास आती थी। हर बात के लिए मैं तुम पर ही डिपेंड रहती थी, और तुम हमेशा मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। मैं जी भर कर सिर्फ तुम्हारे सामने हंसा करती थी। अनिल, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अनिल। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास जगह है, और वो जगह है एक छोटे से भगवान की। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो मैं अपने भगवान के साथ वैसा रिश्ता कैसे रख सकती हूँ? बताओ अनिल, मैं अपने भगवान के साथ वैसा रिश्ता कैसे रख सकती हूँ जैसा तुम चाहते हो? बताओ प्रिया। सॉरी प्रिया, सॉरी। तुम मेरी बात कभी नहीं डालते हो ना। मैं जो कहूंगी तुम करोगे ना। तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर कहती हूँ, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो और शराफत की जिंदगी जियो। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है अनिल, अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। प्लीज 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 अनिल। अब चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ प्रिया, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। थैंक यू दिव्या, अब तो तुम खुश हो ना? इसके लिए इसको क्यों खुश होना है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? आई लव यू। हाँ? अब ऐसे मत कहना कि ये नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती हूँ, उसके लिए प्यार चाहिए, और वो प्यार सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकती हूँ, और तुम्हें सच्चा प्यार सिर्फ मैं ही करती हूँ। मैंने तुम्हें हर तरह से सहन किया हुआ है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसके लिए तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अनिल। अरे आई लव यू।